गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। तो कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दुर्गा पूजा गया है और थोड़ा मैं टायर्ड हो गई थी, थोड़ा मैंने रेस्ट लिया है। तो आज मैंने ये मेकअप लुक किया है, ये दिवाली के लिए मैंने मेकअप लुक किया है क्योंकि दिवाली आ रहा है सामने। मैं और एक मेकअप लुक करूँगी तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा ग्लैम टाइप ऑफ मेकअप लुक है, मतलब आप इसके साथ लिप्स को ऐसे न्यूड रख सकते हैं। मैंने थोड़ा डार्क लिप रखा है और मैं और एक मेकअप लुक करूँगी, थोड़ा सटल सा मेकअप। तो मैंने थोड़ा ये एरोबिक काइंड ऑफ आई मेकअप करने का ट्राई किया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहे जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। मैं वीकली 2 to 3 टाइम्स वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पेज पर फॉलो कर सकते हैं, दाश दीपाक्षी हूँ मैं वहाँ पर, तो यू कैन फॉलो मी देयर एज़ वेल। तो अभी देखते हैं, चलिए ये वीडियो लाइक ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आपके साथ ये जो दिवाली का जो मेकअप लुक है ये शेयर करने जा रही हूँ। तो ये थोड़ा सा ग्लैम दिवाली लुक है, मैं और एक लुक आपके साथ शेयर करूँगी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं फर्स्ट ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले मॉइस्चराइज किया हुआ है फेस, तो ये रिमल का प्राइमर है। अब मैं थोड़ा सा ग्लो के लिए मैं मेकअप मतलब फाउंडेशन के नीचे ये जो स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड हाइलाइटर है, थोड़ा सा पिंक अंडरटोन में है, ये हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं फाउंडेशन अभी यूज़ करूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन छोटा वाला जो ट्यूब आता है वो यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, मतलब अफोर्डेबल में इतना अच्छा फाउंडेशन मुझे तो अभी तक कुछ नहीं लगा। 200 समथिंग में मिलता है, उससे अफोर्डेबल क्या होगा। तो मैं वो मेरा शेड है वार्म न्यूड, तो मैं पूरे फेस में अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ये लगा लूँगी। मैं ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ब्रश से, मुझे थोड़ा पेची पेची जैसा फील होता है, तो ये मैं लगा लूँगी। तो अभी मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर थोड़ा सा मेरी मतलब पीच अंडरटोन में है, ये थोड़ा सा डार्क है, तो ये लगा के उसके ऊपर मैं ये जो एले गर्ल प्रो कंसील इन द शेड नेचुरल बेज है ये लगा रही हूँ इसके ऊपर, थोड़ा सा हाइलाइटिंग पर्पस। वो थोड़ा पीची है तो मेरा जो डार्कनेस है उसको कैंसिल कर देगा। तो ये कंसीलर भी गाइस एले गर्ल का बहुत ही अच्छा है, ये मेबेलिन फिटमी का और ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर, और इसमें शेड वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है एले गर्ल का जो कंसीलर है, मतलब हर स्किन टोन हो आपको शेड मिल जाएगा। तो ये मैं अपने जहाँ पे यूजुअल एरिया पे जहाँ पे मैं कंसीलर करती हूँ मतलब हाइलाइटिंग कंसीलर करती हूँ वहाँ पे लगा के मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ के लाइक चिन पे और अंडर आइज पे मेरे आईलिड पे भी मैं ये लगा लूँगी अपने, तो आई शेडो थोड़ा सा पॉप होगा। फिर मैं जहाँ पे कॉन्ट्रोलिंग करूँगी उसके नीचे, फिर मेरे फॉरहेड पे लगा के मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो इमीडिएट मैं उसको सेट करूँगी, मेबेलिन फिटमी का लूज पाउडर है उससे मैं सेट करूँगी, ये इन द शेड लाइट है। तो ये पाउडर भी गाइज मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा है, मतलब सब कुछ ब्लर कर देता है, कुछ भी पता नहीं इसमें क्या फॉर्मूला है, इतना मतलब मेल्ट मतलब फाइनली मतलब ये है कि पूरा स्किन पूरा ब्लर हो जाता है। अब मैं ये एनवाईवी का जो कॉन्ट्रोल स्टिक है ये थोड़ा सा डार्क शेड में, इससे मैं अपने क्रीम कॉन्ट्रोलिंग करूँगी। मैं थोड़ा मतलब ये जो है मेकअप ये थोड़ा मैं मतलब थोड़ा ग्लैमरस कर रही हूँ, इसीलिए मैं क्रीम कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। तो इससे मैं अपने चिक्स पे, हॉलर्स ऑफ द चिक्स पे, अपने नोज़ के लाइक साइड्स पे, तो नोज़ थोड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा, अपने फॉरहेड पे और जो लाइन पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आप डाउनवर्ड मोशन में ब्लेंड कीजिए, जब आप कॉन्ट्रोलिंग को ब्लेंड करेंगे क्रीम कॉन्ट्रोल को तो वो अच्छा लगेगा। फिर जब आप मतलब फॉरहेड पे भी लगाएंगे तो भी वो उसको आप अपने हेयर लाइन की तरफ उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब मैं ये पाउडर जो कॉन्ट्रोल है वेट एंड वेल का, इसको लेके इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोलिंग कर रही हूँ, तो अच्छे से एक शेडो क्रिएट होगा। अब मैंने जो बेकिंग किया था उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, ये जो ब्रश है इससे, फ्लफी सा ब्रश है इससे। मेरे पास गाइस इतना ज़्यादा मतलब नया मैंने स्टार्ट किया है, इतना ज़्यादा ब्रश भी नहीं है, तो आप सोचेंगे कि एक ही ब्रश बार बार दिखाती है,
तो या तो ये है ब्रॉन्ज़र, ये लोरियल का ब्रॉन्ज़र है, ये भी बहुत अच्छा ब्रॉन्ज़र है। इसमें एक इतना अच्छा स्मेल है और ये शेड मुझे परफेक्टली सूट करता है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग कर लूँ। मुझे बेसिकली ब्लश से ज़्यादा मुझे कॉन्ट्रोलिंग और ब्रॉन्जिंग अच्छा लगता है। अभी मैं ये जो आई शेडो पैलेट में से ये जो पिंक शेड है इसको मैं एज ए ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ब्लश मेरे पास सिर्फ एक ही है, इसीलिए मैं आई शेडो से ही ब्लश चला लेती हूँ। तो अभी मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन का है, और एक ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, डैब डैब कर लूँगी। मेरा कंसीलर देखिए थोड़ा सा हट गया है, फिर से मैंने ठीक किया है, वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। अब मैं ये मेबेलिन का मास्टर क्रूम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड, थोड़ा पिंक कलर है ये, इसको मैं अपने हाइस्ट पॉइंट्स पे लगा दूँगी अच्छे से। और अगर आपके पास अच्छा सा एक आई शेडो पैलेट हो तो हर काम हो जाता है, हाइलाइटिंग का भी काम हो जाता है, फिर ब्लश का भी काम हो जाता है, फिर आईब्रो का भी काम हो जाता है। अच्छा सा अगर एक हाइलाइटिंग मतलब आई शेडो पैलेट हो, उसमें डार्क ब्राउन शेड दिखिए, मैं डार्क ब्राउन शेड में इससे एक अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ, तो ऐसा एक डार्क ब्राउन शेड होगा तो आप आईब्रो फिल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक से वो बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल लगता है, डार्क ब्राउन ही अच्छा लगता है आईब्रो फिल करने के लिए। तो मैं थोड़ा आज थोड़ा हार्शली आईब्रो फिल कर रही हूँ, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं इसको, आर्च आईब्रो शायद बोलते हैं, हाँ वही कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ मैं। और आईब्रो जब फिल करेंगे तो पीछे से हैवी कीजिए और सामने से थोड़ा सा लाइट रखिए, जो ब्रश में बचा होगा उसी में से आप सामने से थोड़ा सा ब्रश कर दीजिए। और मैं आईब्रो को भी फिर ब्रश भी करती हूँ, वो मैं मतलब ऑफ कैमरा करती हूँ, दिखाती नहीं हूँ। अभी मैं आई शेडो कर रही हूँ तो मैं ये जो ब्राउन शेड है, लार्ज ब्राउन शेड, इसको मैं एज ए ट्रांजिशन यूज़ कर रही हूँ। आज मैं अरेबिक जो आई जैसा होता है आईज, वैसा एक आई लुक क्रिएट करूँगी, तो इसको मैं अपनी क्रीज की थोड़ा सा आईब्रो लेके अच्छे से बफ कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैं फिर से थोड़ा सा डार्क शेड लेके, और ये वाला जो मैंने नया ख़रीदा है एक ब्रश है, ये भी बहुत अच्छा है, प्रो आर्ट का ब्रश है, थोड़ा सा मतलब छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, तो इस थोड़ा सा डिफाइन लगता है, तो मैं क्रीज में वो जो डार्क ब्राउन शेड है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, उसको लेके लगा रही हूँ अच्छे से। अब मैं उससे भी जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन है उसको ले रही हूँ फिर से वही ब्रश से, और अपने आउटर कॉर्नर को फिर से थोड़ा सा डिप कर रही हूँ। तो जितना ज़्यादा नीचे आते जाएंगे आँखों में, उतना ज़्यादा छोटा छोटा ब्रश का ज़रूरत होगा, और ऊपर फ्लफी ब्रश ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं जो फ्लैट शेडो ब्रश है इसमें से ये जो एलोवेरा का प्रो कंसील है ये लेके मैं हाफ कट क्रीज करूँगी। मैं ट्राई कर रही हूँ, वो जो हैक्स बोलते हैं वैसे ट्राई कर रही हूँ, नहीं हुआ मेरा, तो मैं हाफ कट क्रीज करूँगी। कट क्रीज करने से क्या होता है, वो जो आई मेकअप वो ज़्यादा निखर के आता है, इस आई में भी कर दूँगी मैं। कट क्रीज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मैं भी इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी करते करते सीख रही हूँ। ये आज मैं हाफ कट क्रीज कर रही हूँ। अब मैं फिर से जो अभी मैं जो कट क्रीज किया है उसके ऊपर, कंसीलर के ऊपर, ये जो शिमरी ओशन ग्रीन टाइप ऑफ शेड है उसको मैं, सी ग्रीन टाइप ऑफ शेड है उसको मैं अपने लिट पे लगा दूँगी अच्छे से, उसके ऊपर लगा दूँगी। पता नहीं मेरा, मैं सनलाइट में शूट करती हूँ इसीलिए शायद इतना दिखाई नहीं देता है, पर इन पर्सन अच्छा लगता है मेकअप देखने में। देखिए इतना दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो निकाके का आई शेडो पैलेट है इसका मैं रिव्यू करूँगी, मैं और एक और दो मंगवा रही हूँ, बहुत अच्छा है गाइस, ट्राई कीजिए, मस्ट ट्राई है, अफोर्डेबल में, मुझे तो 300 में मिल जाता है नायका में, बहुत अच्छा है ये, हुडा ब्यूटी का डूब से पूरा। अभी मैं वही जो डार्क ब्राउन शेड है उसको लेके फिर से जो जहाँ पे मैंने कंसीलर मतलब कट क्रीज किया है और आउटर कॉर्नर है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, तो ब्लेंडेड लगेगा बेसिकली लुक देखने में, नहीं तो कैसा कैसा लगता है देखने में। अब मैं पहले जो मैंने जो क्रीज पे लगाया है वो दो शेड लेके फिर से ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ, तो कोई हार्श एडजस्ट नहीं रहेगा। मैं बीच में थोड़ा, मैंने वीडियोस नहीं किया था, मैं थोड़ा थक गई थी, पूजा था इसीलिए। अब मैं ये जो लोटस का आईलाइनर है इसका टिप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लास्टिक का है, इससे मैं ये जैसे अरेबिक आइज में जैसे होता है बड़ा सा विंग एक मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ विंग लाइनर में, देखिए कैसा हो गया। तो अब मैं फिल कर रही हूँ ये जो विंग लाइनर है, सबका आपका अपना मतलब अपना अपना तरीका होता है विंग लाइनर लगाने के लिए, मेरा ऐसा तरीका है, मैं पहले मतलब आगे से पीछे से करती हूँ, फिर मैं क्या बोलते हैं इसको लास्ट से करती हूँ, फिर मैं बाद में ऐसे आगे से करती हूँ। थोड़ा मोटा कर रही हूँ आज,
अब मैं इसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर तक मतलब इसको लाऊंगी तो वो एक अरेबिक आइस जैसा इफेक्ट आएगा। अब मैं ये काजल यूज़ कर रही हूँ, ये नायका का रॉक द लाइनर काजल है, ब्लैक कलर में है, अच्छा काजल मतलब बहुत अच्छा काजल है, स्मज नहीं होता है और लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लगाऊंगी आज, आउटर और इनर कॉर्नर तक लेके जाऊंगी। देखिए मैंने इनर कॉर्नर तक भी ये लाई हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया, फिर मैं इसको ठीक करूँगी आईलाइनर से। अब मैं ये जो डार्क ब्राउन शेड है इसको लेके ये जो पेंसिल जैसा मतलब जो ब्लेंडिंग ब्रश है प्रो आर्ट का, इससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सब कुछ। आप आईलाइनर से भी नीचे ऐसे ऐसे दे सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा हार्श लगता है इसीलिए मैंने नहीं दिया है। अब मैं ये लिक्विड कंसील मतलब आई शेडो है स्विस ब्यूटी का गोल्डन शेड, उससे मैं यहाँ पे कट क्रीज जहाँ पे किया है वहाँ पे एक लाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फेल हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था वो। अभी मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ प्रीशियस पेटल जो वेटनवेल का हाईलाइटर है उससे। अभी मैं जो मैंने जहाँ पे वो जो टेल जैसा इनर कॉर्नर पे दिया था उसको मैं एक मतलब आईलाइनर से उसको थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। अब मैं आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ, इसमें आईलैश लगाने से बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी सीख रही हूँ आईलैश लगाना, मैं लगाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं अच्छे से 2-3 कोट लगा दूंगी अपने अपर लैशेस पे और लोअर लैशेस पे, तो एक फॉल्सेस का जो इफेक्ट है वो आ जाएगा। अब मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, नया लाई हूँ मैं ये स्टे कुर्के का, मैंने लिक्विड लिपस्टिक है, मुझे बहुत पसंद है स्टे कुर्के का लिक्विड लिपस्टिक्स, तो इसका शेड का नाम तो मैं भूल गई, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये पर्पल और पिंक मिक्स है बेसिकली इस, तो इससे मैं आप अपने लिप्स को न्यूट भी रख सकते हैं, मैंने थोड़ा लाउड रखा है, दिवाली है। सो गाइस दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड लुक, और मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया था तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सब्सक्राइब के पास मुझे बेल बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि नोटिफाइड रहे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, दाश दीपक शो में इंस्टाग्राम पे और FB पेज पे। तो या गाइज तो मिलते हुए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू, स्टे ब्लेस्ड।